धन्यवाद। हमारे बीच में है मैडम प्रीति भारद्वाज दलाल जी, जो कि स्टेट कमीशन फॉर वुमेन हरियाणा से हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मैडम को कि वो बताएं कि स्टेट कमीशन किस तरह से इन समस्या को हल करता है और कैसे विक्टिम्स की समस्या विक्टिम्स को अप्रोच करता है और क्या क्या प्रावधान आपके कमीशन में इनके हेल्प करने के लिए। मैडम प्रीति भारद्वाज दलाल जी, सभी को नमस्कार। स्पेशली द वेरी ऑनरेबल जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, मैम, आई एम फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स मैम, रेड योर जजमेंट्स एंड आई एम हाईली डिलाइटेड एंड फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हियर टू शेयर व्यूज एंड यू आर वन पर्सन हु वुड बी लिसनिंग देम। द अदर पैनलिस्ट ओवर हियर, मिस्टर विजय गौड़ जी, Kamanjit Arora ji, Mr. Mahesh Verma, and the other panelists. My throat is really a little challenging because of the hearings which the commission is conducting for past 1 week. So kindly bear with me. मेरा नाम प्रीति भारद्वाज दलाल है और मैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। पिछले 4 साल से आयोग से जुड़ी हुई हूँ अलग अलग कैपेसिटीज में। जब आप एसिड अटैक्स की बात करते हैं, एसिड अटैक बहुत बड़ा मुद्दा नेशनल लेवल पर सेमिनार वेबिनार हो रहा है। आज से 2 महीने पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 2 दिन की कंसल्टेशन रखी थी, जिसमें कि कानून में क्या प्रावधान है, महिलाएं जो कि एसिड्स जिनके ऊपर फेंका जाता है उनकी क्या सोच रहती है, आने वाले जीवन किस प्रकार से उनका रहता है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, राज्य सरकारों को या फिर यूनियन टेरिटरीज को विक्टिम कंपनसेशन के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए उनको आजीवन हर प्रकार की जो सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुरक्षा के साथ साथ उनको पेंशन देने की स्कीम्स मुहैया कराई जाए या नहीं कराई जाए, टाइम एंड अगेन इट हैज कम टू द नोटिस के सारी स्टेट्स इक्वालिटी के साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ दे आर नॉट एबल टू डू इट। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट हियर के हरियाणा में एक इट इज नोन फॉर यू नो स्क्रूड सेक्स रेशियो, इट्स नोन फॉर क्राइम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट जब हम एनसीआरबी का डाटा लेते हैं तो एसिड अटैक्स के ऊपर हमारा 8वें नंबर पे स्थान आता है। इस बात की मुझे खुशी है क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट कमीशन को का प्रतिनिधित्व करती हूँ हरियाणा राज्य का। जब हम बताते हैं कि इसमें एसिड अटैक्स या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, यहाँ पर जब मिस्टर विजय गौड़ जी ने बताया कि हरियाणा में क्या स्थिति है, आयोग के 15-16 फंक्शंस हैं, उनमें हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल क्राइम्स related to women, irrespective of whether the crime is social, economic, political, or uninvolved. We have got a power of a civil court. We can summon any person from any part of India. Besides these responsibilities, पिछले 3 साल में acid attack के 2 cases आए हैं, जिसमें 3 महिलाओं को इस पर acid डाला गया। उन दोनों केसेस में आयोग ने सर्वसंज्ञान लिया, हमने खुद ने बात की, लेकिन क्योंकि हम जैसे एक एक्सपीरियंस के साथ बात शेयर करते हैं, कमल जी जी ने शेयर किया, लॉग शेयर किया, बहुत सारी चीजें शेयर की कि ऐसा होना चाहिए, लक्ष्मी के केस में ये हुआ, आईपीसी में ये धारा में ये बना, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ह्यूमन एंगल टू इट रादर देन The crime part of it. तो उसके लिए जागरूकता बहुत विशेष रूप से हमें उसके लिए काम करना होगा। नालसा हो चाहे वो हालसा हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो, हमने एक खाका तैयार कर दिया। खाका तैयार होने के बाद हमने आंकड़े बनाकर दे दिए, आंकड़े बनाने के बाद हमने अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश कर दिए, बट फिर भी ये मुद्दे आ रहे हैं, स्ट्रे केसेस आ रहे हैं, इमर्जिंग फॉर्म्स
कैटेगरीज ऑफ क्राइम उभर रही है। आजकल एसिड मुंह पर नहीं फेंका जाता, आजकल एसिड पिलाया जाता है, हार्पिक के फॉर्म में पिलाया जाता है। रीसेंट केस आई वुड लाइक टू को, जो एक दो बहनों की लड़ाई हो गई और उसमें उन्होंने एक 4 महीने के बच्चे को जिसके थे और उसको एसिड उसको पिला दिया। यहाँ पर अब लॉ की कैटेगरी वेयर विल बी कैटेगराइज इट एज सच एंड द चाइल्ड कंसिक्वेंटली स्कम्ड एंड ही डाइड। नाउ जो परिभाषा दी गई है एसिड की, वो परिभाषा में मुंह पर फेंका जाए, डिफॉर्मिटी आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ लिखा गया है। पिलाया जाए या जबरदस्ती मुंह में ठूसा जाए या शरीर के अंदर किसी तरीके से आया जाए, उसका कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पर लॉ को थोड़ा और चेंज या अमेंड करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे ही पिछले 10-15-20 साल में जो कि एसिड अटैक्स मुंह पर आकर पड़ा और वो मुंह के अंदर जा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। लड़कियां आती हैं हमारी वेबसाइट पर, एक लड़की ने, एक रश्मि जोशी नाम की एक लड़की है, वो बहुत ही शी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द वेज एंड मींस इन व्हिच द विक्टिम्स आर बीइंग यू नो हैंडल्ड, एंड आई रियली फील दैट इट वाज अ काइंड ऑफ हाइट ऑफ फॉरगिवनेस इन व्हिच उसने एक कथा कथन काव्य के रूप में एक छोटी सी अपनी एक कथा रखी। और मैं आप इसके माध्यम से यहाँ पर मैं रखना इसलिए जा रही थी क्योंकि आई थिंक ये सब तर्क संगत है। उसने ये लिखा है कि तूने तेजाब ही डाला था ना मुझ पर देख आज भी मैं बदली नहीं, आज भी मेरे इरादे और सपने अब भी बेकरार हैं। हाँ माना मेरा चेहरा थोड़ा बिगड़ गया है, पर आज मेरे हौसलों ने तेरे तेजाब के असर को बेअसर कर दिया है। हाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तेरा कि तूने मुझे खुद से प्यार करना सिखा दिया है, तूने सिखा दिया है मुझे अपने की पहचान करना। देख तेरे तेजाब ने आज भी मुझ पर कोई असर नहीं किया, लगता है तेरे उस तेजाब पर उस बोतल में सिर्फ पानी ही था जो मेरे सपनों को छू भी नहीं पाया और मेरे इरादों को और मजबूत कर गया। चल अब तूने एक अच्छा काम तो किया जो तूने मुझे अपने आप को मुझे रूबरू जो करा दिया, तूने एक बार मुझे फिर से जिंदा कर दिया। कर्टसी रश्मि जोशी। यहाँ पर इसको मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे स्पेशली भेजी गई थी ये कविता और नेशनल वेबिनार है इसलिए इसको मैंने पढ़ा। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई रिप्रेजेंट हरियाणा, एक मेरे पास नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मेरी एक मित्र है, रिसर्च है, सेंटर फॉर वुमेन एंड लॉ में काम करती हैं, उन्होंने मुझे एक रेफरेंस भेजा भी थी, आप एक महिला को जॉब देंगी। मैंने कहा हाँ कुछ जॉब है आप बताइए, लेकिन वो एसिड अटैक विक्टिम है, दिल्ली की है, मैं भेजना चाहूंगी उसको। मैंने उसके बारे में 2 बार सोचा, मैंने कहा भेजिए उसका प्रोफाइल। उसको भेजने से पहले मैंने अपने स्टाफ से कुछ फीलर्स लिए कि यदि इस प्रकार की कोई भी प्रकार की नॉट एन एसिड अटैक विक्टिम बट अ विक्टिम हु इज अ विक्टिम ऑफ वायलेंस एज सच, क्या हम ऐसे बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है क्योंकि पिछले जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि 5 महिलाओं को जॉब दी जाएगी, मेरे ऑफिस ने किसी ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है जिसको मैं इस नेशनल लेवल वेबिनार में एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर माइंड सेट के चेंज होने की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बोले नहीं, करें, जो सच्चाई है उसको सामने लाएं, जो नहीं हो पा रहा है उसको करके देखें, जो गाइडलाइंस बन गई हैं उनको इंप्लीमेंट करें, उन्हें एग्जीक्यूट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरियाणा हैज अ वेल प्लेस्ड गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू द परसेंटेज ऑफ फॉर्मिटी डिफॉर्मिटी सो ऑन एंड सो फॉर्थ
उनको पेंशन मिलती है, उनको राशन के डिपो मिलते हैं. सो हरियाणा इज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट. वी आर वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट, बट स्टिल द केसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. जो आपके साथ मैंने शेयर किया, दोज आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, और मैं चाहूंगी उन पर हम बहुत गणमान्य व्यक्ति, हमारे जो आइडियल्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा ध्यान रखें और गाइडलाइंस उस प्रकार की फ्रेम करें, और इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद व्हाट हैपेंस इज दैट एग्जीक्यूशन, देन व्हाट हैपेंस इज दैट मॉनिटरिंग, दैट इज द लीस्ट थिंग व्हिच हैपेंस. एंड इफ इट हैपेंस विद ऑल दीज थ्री पिलर्स, देन आई डोंट थिंक सो एसिड अटैक कैन बी द थिंग ऑफ पास्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद रिगार्ड टू द प्रोविजन, ये 10 साल तक की या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक ही सीमित है. आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि थोड़ा आगे तक लेकर जाएं, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करें, डेथ पेनल्टी तक. जब तक रेट्रीब्यूशन एक डर पैदा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि ये मुद्दा यूं ही चलता रहेगा और हम यूं ही नेशनल वेबिनार करते रहेंगे. यहाँ पर अपना वक्त देने के लिए, आप मुझे को सुनने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय हरियाणा, नमस्कार. कि मैडम आप बताएं कि गांव के अंदर लीगल अवेयरनेस को कैसे प्रमोट कर रही हैं आप, ताकि वहां की महिलाओं को पता लगे उनके कानून का, उनके राइट्स का, क्योंकि आपने ही कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी आती है जब कानून का पता हो. जी, बहुत अच्छा तर्कसंगत क्वेश्चन है. वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन ही नहीं, आई थिंक पुरुषों के लिए एम्पावर होना ज्यादा जरूरी है, उनके अंदर संस्कारों का जागृत होना बहुत जरूरी है. आई थिंक महिला पुरुष दोनों को ही लीगल राइट्स के बारे में पता होना जरूरी है. उनको पता ही नहीं है कि एसिड अटैक क्या होता, उनको पता ही नहीं है कि रेप करने से के प्रावधान है. अगर वो करते हैं, किसी भी महिला को इस प्रकार से छेड़ाछाड़ी होती है, मोलेस्टेशन के घूरना, यदि इसके क्या उनके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, यदि पता होता तो आई डोंट थिंक सो कि क्राइम में जरूर कम होता, ऐसा मेरा मानना है. जैसा कि आपने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए कहा कि हम लोग वी हैव रीच वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नीति आयोग. मेवात में हमने लीगल अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए हैं, अलग अलग जिलों में कराए हैं. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ हमारी संपर्क रहता है, इंटरेक्शन रहता है, उनके साथ मिलकर उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं प्रोग्राम. लीगल अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हाल ही में कराए गए हैं अलग अलग जिलों में. इस साल के आने वाले सत्रों में हर साल कराए जाएंगे, और क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना है तो वेबिनार्स भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर संवाद सीरीज के नाम से हरियाणा राज्य महिला आयोग के, यदि आप हमारे फॉलो करते हैं सो यू कैन गेट इन टू आवर वेबसाइट hsaw.in. सो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, भरपूर नॉलेज, एंड यू विल हैव एन आइडिया. बायलिंगुअल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. समय समय पर हमारा डिस्ट्रिक्ट में 22 डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में दौरा रहता है, और वहां पर ताकि उनको आयोग चंडीगढ़ पंचकुला ना आना पड़े, वी रीच टू द डोर स्टेप ऑफ द विक्टिम. उनके जिले में जाकर वहां पर हम लोग सुनवाई करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, महिला पुलिस थानों में जाते हैं, वन स्टॉप सेंटर्स में जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में जाते हैं. एंड आई थिंक जो एक तंत्र बना हुआ है WCD का भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी, अलग अलग तरीके के जो है हमारे, सो अपनी तरीके से जागरूकता कर रहे हैं और जागरूकता आ भी रही है. दूसरी बात, महिला सरपंच हरियाणा की पढ़ी लिखी, उन्होंने अपने गांव की तस्वीरें चेंज कर दी हैं. यदि आप बात करेंगे मेवात की, आप बात करते हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. मैं भी आज से 7-8 महीने पहले मैंने एक हियरिंग करने के लिए गई थी, वहां पर 25 केसेस की हियरिंग करी. वहां पर महिलाएं, चाहे वो बोलना नहीं आता, एक चौथी कक्षा भी नहीं पढ़ी हुई, ईंट पत्थरों से वो एक दूसरे को मारते हैं, बट वो धाराओं में बातें करती हैं, उंगलियों के ऊपर उनके हाथों में धाराएं हैं. तो यहाँ पर अवेयरनेस पूरी है. ओनली थिंग इज सेंसिटाइजेशन, हाउ यू रियली हैव टू माउल्ड देम, दे नो द लॉ, हाउ टू यूज द लॉ एंड नॉट टू मिस यूज इट by women, for women, of women, that is important, and this equalizes ये पुरुषों के लिए भी यही बात आती है, उनको sensitize करना ज्यादा जरूरी है. थैंक यू मयंक अग्रवाल जी, नमस्कार. आप